जीत के ना सको आप लोग का शुक्र है कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग बोर भी हो चुके हैं। और बट स्टे के साथ साथ मैं कल के इस्लामी अल्फा फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस करा हुई हमारे लिए बेटर है ताज भाई ने और प्रसाद भाई, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लेकिन ब्लड की एक्टिविटीज़ के साथ हमने भी सारा पूरा बैठ के तो ये भी हमारे साथ याद कर रहे हैं। आप लोगों को पता है वर्ल्ड डोनर डे कब होता है? ब्लड डोनर डे 14 जून। अच्छा, एक बंदे ने बोला माशाल्लाह, उसके लिए क्लैपिंग करें। और जिन जिन को पता नहीं है जाके गूगल करें आज के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का, भी मैं नहीं बता रहा थे। इसके बाद वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब होता है, किसी को पता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे? सही, तो ये भी आप लोग जाकर वहाँ पे सर्च करें। इसके बाद नर्स ब्लड एक्टिविस्ट, कोई जानता है ब्लड एक्टिविस्ट? ब्लड एक्टिविस्ट एक ऐसा लफ्ज है कि अनफॉर्चुनेटली ना ये आपको गूगल पे मिलेगा ना डिक्शनरी में मिलेगा, ये हमने इंट्रोड्यूस करा है। ब्लड एक्टिविस्ट हर उस बंदे को कहते हैं जो कि ब्लड अवेलेबिलिटी पे काम करे, चाहे डोनेशन को इम्प्रूव करे, चाहे इसके मसाइल को हल करे। और हम इसलिए यहाँ पे आए कि आप लोगों में से हर बंदा जो है ब्लड एक्टिविस्ट बने। और ब्लड एक्टिविस्ट आप इस तरह बन सकते हैं कि खुद को जिक्र करो और अपनी फैमिली को जिक्र करो, अपनी मानने को जिक्र करो, तो आप ब्लड एक्टिविस्ट बन जाएंगे। सही है। थैलेसीमिया कैसी बीमारी, इसमें क्या होता है? डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड सर। गुड, ये कहता है कि थैलेसीमिया में जो है ब्लड नहीं बनता। थैलेसीमिया की बहुत सारी अक्साम है, इसमें थैलेसीमिया मेजर है, माइनर है, अल्फा है, बीटा है। एक बात आप लोग याद रखिए क्योंकि आप लोग का मेडिकल से वास्ते है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है बीटा थैलेसीमिया है। और ये अभी पार्ट फर्स्ट एग्जाम में आया था, मैंने एक दिन डॉक्टरों के लगाया था, तो जो मेरी कुलीग्स थे उन्होंने देखा था, उन्होंने टेस्ट इसलिए इसमें उनको मार्क्स मिले थे कि उन्होंने जो पोस्ट है वो देखी थी। थैलेसीमिया जो बीटा थैलेसीमिया ही याद रखे आप लोग के काम आए। अवेयरनेस हम किस तरह कर सकते, आप लोग को कुछ अंदाजा कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया के कितने बच्चे रजिस्टर है, थैलेसीमिया के कितने बच्चे रजिस्टर है? कि जो अब तक रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो 50,000 प्लस है, वुमन के साथ 50,000 प्लस। और जो अनरजिस्टर्ड है, जो कि अभी रिकॉर्ड पे नहीं है, जो दराज इलाकों पे है, वो 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस अनरजिस्टर्ड है, और रजिस्टर जो है वो 50,000 है। लेकिन मसला ये नहीं है, उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं, ताज भाई हो गया, पहचान हो गया, उमर लोग ये सब लगे उनके लिए ब्लड अरेंज कर रहे हैं। मसला एक और है, मसला है थैलेसीमिया माइनर का। आप लोगों को पता है कि थैलेसीमिया माइनर कितने लोगों में है, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? थैलेसीमिया माइनर उसको बोलते हैं कि वो अगर दूसरी थैलेसीमिया माइनर के साथ शादी करे तो उनके बच्चों में थैलेसीमिया मेजर की बीमारी आएगी। सही है। थैलेसीमिया माइनर जो है पाकिस्तान की 7% आबादी में है, 7%। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अभी 100 लोग होंगे तो कम से कम 7-8 जो ऐसे होंगे वो थैलेसीमिया माइनर के लोग होंगे। और इससे तकरीबन 98 लाख आबादी जो हमारी है थैलेसीमिया माइनर की, जो सबसे बहुत बड़ा खतरा है, 98 लाख, ये याद रखें। और ये अगर हम यहाँ पे इसको प्रिवेंट करें कि शादी को रोक सके, तो इससे फायदे जो उनकी थैलेसीमिया की जो मेजर डिजीज है वो पेपर ट्रांसफर होता है। ये कि अगर दो थैलेसीमिया माइनर कपल हो वो शादी कर लें तो उनके हर बच्चे में 25% चांसेस होती है कि वो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हो। थैलेसीमिया माइनर अगर दो कपल शादी कर लें तो उनके हर बच्चे में ये चांसेस है कि 25% के वो थैलेसीमिया मेजर हो। तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें किसी से मोहब्बत है तो सबसे अच्छी कुर्बानी है कि हम अपनी और उनकी टेस्ट कराएं शादी से पहले कि हम दोनों तो थैलेसीमिया
सीनियर के माइनर तो नहीं है, अगर इनमें एक भी साफ है तो फिर मसला नहीं है, उनके बच्चे खेले तो हो सकते हैं, माइनर तो हो सकते हैं, लेकिन थैलेसीमिया मेजर नहीं हो सकते। लेकिन अगर थैलेसीमिया मेजर के बच्चे दोनों थैलेसीमिया माइनर कपल आ जाए, क्योंकि 98 लाख आबादी है अभी, और अभी इनकी शादी होनी है सब लोगों के, और आगे उनके बच्चे पैदा होंगे वो थैलेसीमिया मेजर होंगे, तो ये बहुत ही मसला आगे आ जाएगा। हमारी जो अभी ब्लड डोनेशन की परसेंटेज है 0.6%, जिस तरह डॉक्टर उमर ने आप लोगों को बयान किया, वो अभी शॉर्ट है, इसको फिल करें तो आगे हम किस तरह इसको फिल करेंगे, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, आप लोग रमजान में जब हॉस्पिटल जाए तो आप लोगों का अंदाजा हो जाएगा। मेरे सामने थैलेसीमिया के बच्चे मरे हैं ब्लड के लिए, रमजान में तो ब्लड नहीं देता, आदमी डरता है, तो इससे बेहतर है कि आपके सामने कोई मरे उससे बेहतर है कि पहले एक सिंपल टेस्ट करें। टेस्ट में क्या आप लोग करते हैं, सिंपल आप लोग सीबीसी करें, हर बंदा ये हेल्प करें कि मैं सीबीसी करूंगा, अगर आप लोगों की एच बी 12 से कम आ रही है तो आप लोग एक और टेस्ट की स्क्रीनिंग एच बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो 2000 की तकरीबन 1500 की होती है, वो हो जाए और उसमें हो जाएगा कि पता लग जाए कि आप थैलेसीमिया माइनर हो या नहीं हो, अगर दो बंदे थैलेसीमिया माइनर हो उनकी शादी होगी तो उनके बच्चे में थैलेसीमिया मेजर के बच्चे आएंगे, अगर एक भी बंदा जो है वो उसमें क्लियर हो गया तो फिर कोई भी चांसेस नहीं होगी कि उसके जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया मेजर के बजाय कैरियर हो सकते हैं, माइनर हो सकते हैं लेकिन मेजर नहीं हो सकते। तो हम लोग ये अहद कर लाते साथ कि हम खुद अपने टेस्ट करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के टेस्ट करेंगे, और बतौर ब्लड एक्टिविस्ट और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के हम हर बंदे को ये दावा देंगे कि वो शादी से पहले थैलेसीमिया की टेस्ट जरूर करें। इसके लिए आप लोग एक बात बताऊँ कि हुकूमत ये लाजिम करार दिया है, अगर आप अभी जितनी भी निगाह होती है अगर उसमें थैलेसीमिया का टेस्ट शामिल ना हो तो ऑब्वियसली हुकूमत में आप उसको नहीं दिखा सकते कि हमने शादी की है, क्यों, क्योंकि हुकूमत के वहाँ पर लाजिम करा दिया है कि आपने थैलेसीमिया का टेस्ट पहले करना है ताकि हम इस मसले पर काबू पाए, और ईरान ने इस पर कंट्रोल इस तरह हासिल किया था, बहुत सारे ममालिक ने इस पर इस तरह कंट्रोल हासिल किया था कि उन्होंने थैलेसीमिया का माइनर टेस्ट लाजिम करा दिया और आगे जो है वो बच गए, तबाही से बच गए, लेकिन हमारी कंट्री अभी तबाही के लपेट में है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो तबाही आ जाएगी। इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि जो आप लोगों की इलाके में शादी होती है आप मुझे साहिबान से बात करें, आप लोग अपनी बाद में आप लोग हॉस्पिटल जाएंगे, आप लोग अपने अपने इलाकों में क्लिनिक्स में जाएंगे तो लोगों से बात करें कि आप लोग अपनी थैलेसीमिया माइनर वाला टेस्ट जो है वो जरूर करें ताकि हम इस बर्बादी से बचें। जो मसले हैं हमारे घर में सॉल्व नहीं होंगे, एक आप लोगों को क्लियर करा दें, मसले आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग जब पेरेंट्स बनेंगे तो आप लोग जो बच्चे इन शाला वो बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं मसले देंगे अभी सब लोगों के मसले, लेकिन आप लोगों को अच्छा सा लगा तो काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुद अपने भी टेस्ट करें और अपने मोहल्ले में अपने घर वालों को और जो लोग आप लोग के सर्कल में उनको भी टेस्ट कराएँ। थैंक यू। आखिर में हम आप लोगों को 5-10 मिनट एक क्वेश्चन की है, उसमें आप लोग का जो भी क्वेश्चन हुआ मैं वो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू।